वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं निहारी मसाला। निहारी मसाला, पाया मसाला एक ही तरीके से बनता है। आज हम जिस तरीके से आपको बताएंगे, अगर आप भी इस तरीके से बनाएं तो आपको बाहर से मसाला खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि कम बजट में आपके घर ये निहारी मसाला तैयार हो जाएगा। तो चले आप हमारे साथ रहें। इसमें किस किस चीज़ों को कितनी कितनी मकदार में डालना है मैं आपको बताने वाली हूँ। हमने दो बाउल रख लिए हैं। एक बाउल में हम पिसी हुई चीज़ें डालेंगे और जो दूसरा बाउल है इसमें जो पिसी हुई नहीं है वो डालेंगे, उन फिर पीस लेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। 3 टेबलस्पून अब सौंफ पाउडर डालेंगे। एक टेबल स्पून अदरक पाउडर यानी सौंफ डालेंगे। एक जायफल का टुकड़ा डालेंगे। एक दो पत्तियाँ जावित्री की डालेंगे। एक टेबल स्पून काली मिर्च डालेंगे। टुकड़े दालचीनी के डालेंगे। ये छोटी इलायची है मेरे पास, ये 12 अदद है, ये डालेंगे। 3 अदद बादियान की फूल ये डाल दिए हमने। और 3 से 4 टुकड़े ये मेरे पास तेजपात के पत्ते हैं, ये डाल दूंगी मैं। काला जीरा 1 टीस्पून डालेंगे। ये सिर्फ 1 टीस्पून डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे, सफेद जीरा है ये। 1 टीस्पून लौंग पाउडर डालेंगे। फिर 2 टेबल स्पून देगी मिर्च डालेंगे। तो ये 3 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून टाटरी डालेंगे। अब इनको हम बारीक पीस लेते हैं, फिर मिक्स करेंगे। ये मसाला पीस लिया। अब इस पिसे हुए मसाले को इसमें मिक्स कर देते हैं। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त मसाला इस तरीके से तैयार होता है। हम इसको निहारी में डाल सकते हैं, पाया निहारी में भी डाला जाता है और वैसे निहारी में भी, भले आप चिकन निहारी बनाएं, मटन निहारी बनाएं या बीफ निहारी बनाएं, सब में यही मसाला जाएगा। ये 1 किलो अगर पाए हैं या 1 किलो गोश्त है तो उसमें 1 चम्मच ये जाएगा, 1 टेबल स्पून जाएगा। इसमें डाल लेते हैं छोटे बाउल में। बहुत ज़बरदस्त इस तरीके से बनता है, बहुत ज़बरदस्त इस तरीके से मसाला बनता है। अगर आपने सेम इसी तरीके से चीज़ें डाली तो आपको बाहर से मसाला ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।